हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल काजल रंजीत सिंह किचन। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी अमेजिंग वाला केक। आप देख सकते हो जो ये केक है कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। तो ये जो केक हमने बनाया है, ये हमने बनाया है बिस्किट से, और इतना ज़्यादा टेस्टी है, और सबसे बड़ी बात बहुत ही सस्ते तरीके से बनाया गया है। इस केक को बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है और फटाफट से झटपट से बन जाता है। तो इस केक को आज हम कढ़ाई में बनाएंगे बिना कोई झंझट करे। तो चलिए फटाफट से केक की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस में कढ़ाई रख दी है। अब इस कढ़ाई में मैं नमक डाल रही हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से केक हमारा कढ़ाई में बन जाता है, पता भी नहीं चलता है कि केक कढ़ाई में बनाया गया है। तो अब इस नमक को मैं यहाँ पर अच्छे से फैला दूँगी। गैस के फ्लेम को मैंने यहाँ पे लो पे रखा है, और जब तक हम केक का बैटर तैयार करते हैं तब तक ये अच्छे से हमारा गर्म हो जाएगा। केक का बैटर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज जो मैं केक बना रही हूँ वो मैरीगोल्ड बिस्किट्स का बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक जार ले लिया है, इसमें मैं मैरीगोल्ड बिस्किट्स डाल रही हूँ क्रैक करके। आप चाहे तो पार्ले जी बिस्किट्स, जो भी आपके मनपसंद है वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरा पैकेट बिस्किट्स का नहीं डालूंगी, सिर्फ ये जो दो लाइन वाले बिस्किट्स हैं मैं इन्हीं को डालूंगी। अगर आपको ज़्यादा केक बनाना है, ज़्यादा बड़ा केक बनाना है, तो आप पूरे पैकेट का बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे बिस्किट्स तोड़ के डाल दिए हैं। तो अब मैं यहाँ पे आधी कटोरी से भी कम चीनी डाल रही हूँ, क्योंकि ये जो मैरीगोल्ड बिस्किट्स हैं इनमें थोड़ा सा मिठास कम होती है। केक को थोड़ा सा मीठा बनाने के लिए यहाँ पे मैं चीनी डाल रही हूँ। आप चाहे तो चीनी को यहाँ पे बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे इसका एक अच्छा सा पाउडर बना दूंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इन दोनों को पीस लिया है, और इसका एक अच्छा सा मैंने बिल्कुल फाइन पाउडर बना दिया है। तो अब इस पाउडर को मैं यहाँ पे एक बोल में डाल दूंगी। तो पाउडर मैंने यहाँ पे सारा डाल दिया है। तो अब मैं यहाँ पे सॉल्टेड बटर डाल रही हूँ, 3 बड़े चम्मच। आप इसकी जगह पे घी भी डाल सकते हैं या फिर वेजिटेबल ऑयल भी डाल सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे वनीला एसेंस डाल रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं इनको मिक्स कर दूँगी। तो अब मैंने यहाँ पर 1 कप के करीब दूध ले लिया है। ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर वाला दूध है, ना ज़्यादा ठंडा है और ना ही ज़्यादा गर्म है, उबला हुआ दूध है। तो अब इस दूध को मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, और एक ही डायरेक्शन पे हमें इसे चलाना है और इसका एक स्मूथ सा बैटर तैयार करना है। याद रहे, दूध हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, एक साथ हमें सारा दूध नहीं डालना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। और इसको एक ही डायरेक्शन में इसी तरह से हम चलाते रहेंगे। चॉकलेट केक अगर आप बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे कोको पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इस बैटर को बनाने के लिए पूरा 1 कप दूध यहाँ पे लग चुका है। यहाँ पे मैंने सारा दूध डाल दिया है, और इसका मैंने एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर दिया है। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्मूथ ये बैटर बना है। हमने बस इसी तरह से बनाना है, हमने इसको ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है। तो अब मैं इसमें कुछ टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ जो मेरे पास थी, टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ, और साथ में मैं इसमें किशमिश डाल रही हूँ। थोड़े से मेरे पास चेरी थे, मैं वो डाल रही हूँ। आपके पास अगर ये सब नहीं है तो आप इसकी जगह पे ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही सब डालने हैं। सबको अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर देंगे। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ इनो। इनो केक फुलाने के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे से इससे केक फूल जाता है। तो ऊपर से मैं इसमें दूध डाल के फटाफट से इसको मैं मिक्स कर दूंगी। बैटर को हमने मिक्स करने के बाद बिल्कुल भी थोड़ी देर के लिए नहीं रखना है, बस फटाफट से इसे मैं केक टिन में डाल दूंगी। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही बटर पेपर डाल के अच्छे से मैंने बटर पेपर को बटर से ग्रीस कर लिया है। आप चाहें तो तेल से, घी से अच्छे से इसे ग्रीस कर सकते हैं। आपके पास अगर बटर पेपर नहीं है तो केक टिन में आप थोड़ा सा मैदा डाल के इसे अच्छे से फैला दें, तब उसके ऊपर से आप बैटर को डालें। तो हल्का सा यहाँ पे इसे टैप टैप कर देंगे ताकि ये हर जगह से एक जैसा हो जाए। ऊपर से मैं यहाँ पे इसकी हल्की सी थोड़ी सी डेकोरेशन कर रही हूँ। डेकोरेशन के लिए मैं वही टूटी फ्रूटी लगा रही हूँ, थोड़ी सी मैं इसमें चेरी लगा रही हूँ। आप इसे ड्राई फ्रूट से भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये दिखने में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अब यहाँ पे केक टिन को हम प्री हीट हो रही कढ़ाई के अंदर रखेंगे।
तो इससे पहले मैं यहाँ पे एक छोटी सी प्लेट रख रही हूँ, आप इसकी जगह पे कटोरी या स्टैंड भी रख सकते हैं। इस तरह से प्लेट को उल्टी करके रखें और उसके ऊपर हम यहाँ पे केक टिन को रखेंगे। अब मैं यहाँ पे ढक्कन लगा दूंगी गैस के, फ्लेम को मैंने यहाँ पे लो पे रखा है, तो 30 से 35 मिनट के लिए केक को हम यहाँ पे बेक होने देंगे। केक को बीच बीच में भी चेक करें तो यहाँ पे 35 मिनट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे ढक्कन हटा दूंगी तो आप देख सकते हैं केक हमारा बहुत अच्छे से फूल चुका है। अब आप यहाँ पे टूथपिक से या इस तरह फोक से आप चेक कर सकते हैं कि ये बिल्कुल क्लीन निकल रहा है या नहीं, तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से क्लीन निकल रहा है। तो केक टिन को मैंने यहाँ पे नीचे निकाल दिया है, अब इसे मैं ठंडा करने के लिए रखूंगी। केक को बिल्कुल भी ना पलटे, नहीं तो केक टूट जाएगा गर्म में। तो आप देख सकते हैं केक इतना अच्छे से फूला है कि जो मैंने चेरी लगाई थी वो भी अंदर चली गई है, बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। तो केक यहाँ पे पूरी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। चाकू से मैं इसे साइड साइड से निकाल दूंगी इस तरह से, ताकि जब हम इसे पलटेंगे तो ये आसानी से निकल जाए। इस तरह से हमने हल्के हल्के से चाकू से इसे निकालना है। तो एक प्लेट हम ऊपर से रखेंगे और इसको इस तरह से प्लेट में हम पलट देंगे और ऊपर से हल्का हल्का सा टैप टैप करेंगे। वैसे तो ये बहुत ही आसानी से निकल गया था, आप देख सकते हैं। बटर पेपर भी मैं यहाँ पे निकाल दूंगी, आप देख सकते हैं कितना सॉफ्टली और कितना क्लीन बटर पेपर निकला है, बिल्कुल भी केक हमारा नहीं चिपका है। तो मैंने केक को यहाँ प्लेट में रख दिया है, आप देख सकते हैं। ऊपर से मैं इसमें फिर से चेरी लगा रही हूँ अच्छी सी डेकोरेशन के लिए। तो यहाँ पे मेरा बहुत ही सॉफ्ट सा स्पंजी सा केक बन के तैयार हो गया है। तो कितना परफेक्ट तरीके से हमारा ये केक बना है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बना है। कहीं से भी ये ना तो चिपका है ना टूटा है, बहुत ही अच्छे से बना है। तो आप भी एक बार घर में इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।